हेलो एंड वेलकम टू टीवी का पटाका। वेल दोस्तों, प्रियंका चहर चौधरी या फिर ये कहें बिग बॉस सीजन 16 की आन बान और शान एकता कपूर की पड़ गई है इस फेमस प्रियंका चहर चौधरी द स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल पर नजर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में एकता कपूर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे इस बात को ऑफिशियल किया था कि बिग बॉस 15 में जिस तरह से उन्हें तेजस्वी प्रकाश के रूप में अपनी नागिन मिली थी, तो वहीं अब बिग बॉस सीजन 16 में जहां वो आई हुई हैं फिल्म प्रमोट करने, उन्हें पूरी की पूरी उम्मीद है कि यहां से वो अपनी अगली नागिन को चुन लेंगी। और आखिरकार प्रियंका चहर चौधरी के रूप में उन्हें अपने टेलीविजन इंडस्ट्री के सबसे सुपरहिट शो नागिन फ्रेंचाइज के लिए अगली नागिन मिल गई है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, प्रियंका चहर चौधरी पर सबसे ज्यादा मेहरबान है एकता कपूर, क्योंकि एकता ने प्रियंका को नागिन के अभी तक के सीजन्स की हीरोइन में से सबसे ज्यादा फीस ऑफर करने का फैसला किया है। जी हाँ, यानी कि मोनी रॉय, साथ ही साथ और कोई नहीं बल्कि निया शर्मा और उसके बाद सुरभि चंदना और उनके बाद तेजस्वी प्रकाश और कई और नागिने जिन्होंने हर एक सीजन में अदाकारी दिखाकर नागिन बनी है, उन सबसे महंगी फीस होने वाली है यहाँ पे और किसी की नहीं बल्कि बिग बॉस सीजन 16 की फेम प्रियंका चहर चौधरी की। दोस्तों, अभी तक ये बात साफ नहीं की गई है कि प्रियंका शूटिंग कब से शुरू करेंगी, लेकिन पूरे तरीके से फैंस इस बात का दावा कर रहे हैं कि एक तरफ से प्रियंका बिग बॉस का खिताब जीतेंगी तो वहीं घर से बाहर आने के बाद वो नागिन 7 के लिए शूट शुरू कर देंगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दें कि नागिन 7 के लिए प्रियंका चहर चौधरी की सैलरी होगी पूरे के पूरी 2.5 लाख, यानी कि 2,50,000। क्या कहेंगे आप, हमें अपने व्यू जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना अपना